हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगा अप्लाई करूँगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ एक और काम करी क्वेश्चन बैलेंस करना मात्र 3 स्टेप में। तो स्टार्ट करता है पहला स्टेप। ये क्वेश्चन दे रखे, इसको डिवाइड में करता हूँ, LHS एंड RHS में डिवाइड किया। देन सोडियम इज 2, देन कार्बन इज 1, देन ऑक्सीजन इज 3 प्लस का 1 टोटल इज 4, देन हाइड्रोजन इज 2। अब यही काम आपको सॉल्व करना, सोडियम इज 1, कार्बन इज 1, देन ऑक्सीजन 1 प्लस का 2 टोटल इज 3, देन हाइड्रोजन इज 1। क्लियर? इतना आपको काम करना होता है पहले स्टेप में। अब आते हैं सेकेंड स्टेप आते हैं। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। आइए चेक करते हैं। सोडियम 2 एंड 1 डिफरेंस, कार्बन 1 एंड 1 सेम, ऑक्सीजन 4 3 डिफरेंस है, हाइड्रोजन 2 एंड 1 यहाँ पर डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के नंबर है मैच नहीं कर रहे, मीन ये हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 आती है। यहाँ पर मैं छोटे से ट्रिक यूज करूँगा और आप सीखेंगे कुछ ही सेकंड में केमिकल इक्वेशन बैलेंस का। देखिए मैं उस ट्रिक को कैसे यूज़ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है, बट क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है। देखिए 2 एंड 1 डिफरेंस था, 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, ये हो गया 2 हो गया, ये 2 और ये 2 सेम हो गया, बट जो 2 ये है आप यहाँ से इसको पुटअप कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई हुआ सोडियम में, आप देख सकते 2 हो गया। 2 का होगा ऑक्सीजन में कितनी होगी 2, और 2 वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन में कितनी हो गई है 2, ये भी हो गया, क्लियर हो गया। अब जब इस साइड की वैल्यू चेंज हो तो इस साइड की वैल्यू भी हमें चेंज करना होगा। देखते हैं पहले कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। सोडियम 2 एंड 2 ये भी सेम हो गया, कार्बन 1 एंड 1 सेम, ऑक्सीजन 4 एंड ये भी 4 हो गया, हाइड्रोजन 2 एंड 2 ये भी सेम हो गया। तो आप देख सकते हैं साइड नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मीन्स युवा केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।